हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर से हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज होगा आपका टेस्ट नंबर 10। इसके पहले आपका 9 टेस्ट कंप्लीट हो गया है। 9 टेस्ट आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में आपको जाकर के सारा टेस्ट मिल जाएगा। हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में चले जाइए या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ भी आपको सारा आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न आप देखने वाले हैं। ठीक है, आज जितने भी सवाल हैं आज ज्योग्राफी के सवाल देखेंगे और इसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ से महत्वपूर्ण 5 प्रश्न तो आपको फिक्स है कि एग्ज़ाम में आपको लड़ेगा ही लड़ेगा और इससे बाहर आपको नहीं आने वाला है। और जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको PDF भी दिया जाता है और भी मटेरियल दिया जाता है, तो इस नंबर पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ सहयोग करना पड़ेगा तभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ पाइएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइए, वहाँ पर सारा लिंक आपको मिल जाएगा। जितना भी क्लास हुआ है उसका आपको सारा लिंक वहाँ पर शेयर कर दिया गया है। चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का पहला सवाल देखते हैं। देखिए आज का जो टेस्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने प्रश्न हैं सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और सारे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। देखिए माजुली नदी द्वीप की बात कर रहा है तो भारत में, सॉरी ये शटर गिर गया है ना, भारत में वो कौन सी नदी है जिस पर सबसे बड़ा दुनिया का नदी द्वीप बना हुआ है दोस्तों। तो वो जो नदी है वो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये जो आपका द्वीप बना हुआ है किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और ये किस राज्य में पूछा गया है, तो राज्य हो जाएगा आपका असम में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम राज्य में है और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, तो नदी द्वीप है ना। द्वीप तो आप सुने होंगे कि समुद्र में होता है, लेकिन ये नदी के ऊपर भी ये द्वीप का निर्माण हो गया। द्वीप किसे कहते हैं, तो मतलब वैसे स्थलीय क्षेत्र जिसके चारों ओर क्या हो, जल ही जल हो, उसे कहा जाता है आपका द्वीप। तो ये जो माजुली है ना, तो माजुली एक जिला घोषित किया गया है ना, माजुली एक जिला भी है आपको। और ये जो जिला है आपका कहाँ है, तो ये आपको असम में पड़ता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, मानसरोवर झील से निकलती है और ये मानसरोवर झील कहाँ है, तो तिब्बत में है। ठीक है, और वहीं से निकलती है ये आपको ब्रह्मपुत्र नदी। मानसरोवर से एक नदी और निकलती है, उस नदी का नाम क्या है आपका, तो सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी भी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो ये भी आपको मानसरोवर से ही निकलती है, लेकिन सिंधु नदी निकलने के बाद ये पश्चिम की ओर बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी पूरब की ओर बहती है और अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये भारत में प्रवेश कर जाती है और फिर असम होते हुए ये बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में जा करके गिर जाती है। तो ये हो गया पहला सवाल, इसका आंसर भी दे दिया गया यहाँ पर। दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो मिट्टी है वो चाय बगानों के लिए उपयुक्त है। देखिए चाय बगान के लिए उपयुक्त है वो कौन सी मिट्टी है। ऑप्शन कह रहा है अम्लीय, क्षारीय, जलोढ़ या फिर रेगुड़। तो दो का आंसर क्या हो जाएगा, तो चाय बगान के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है दोस्तों वो आपका हो जाएगा अम्लीय मिट्टी। क्या हो जाएगा आपका, अम्लीय जो मिट्टी है वो चाय बगान के लिए काफ़ी फेमस है। देखिए चाय की अगर बात किया जाए तो दुनिया में सबसे अधिक जो चाय का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, तो वो होता है आपका चीन में होता है। सबसे अधिक चाय का उत्पादन चीन में होता है। भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है, तो भारत में होता है आपका असम राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन। अगर पूछा जाए कि कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो कॉफ़ी होता है दोस्तों आपका कर्नाटक में। ठीक है, कॉफ़ी होता है आपका कर्नाटक में, चाय होता है आपका असम राज्य में सबसे अधिक। और किस ये मिट्टी में होता है, तो ये अम्लीय मिट्टी में सबसे अधिक होता है आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका थर्ड नंबर प्रश्न है कि गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है गैंडा के लिए। देखिए गैंडा भारत में वो कौन सा जगह है जो गैंडे के लिए फेमस है। ऑप्शन कर रहा है गिर, तो गिर जो है अब किस लिए फेमस है, तो गिर जो है ये गुजरात में पड़ता है और ये शेर बब्बर के लिए जाना जाता है। ये किस लिए जाना जाता है, तो शेर के लिए जाना जाता है। एकमात्र भारत का ये प्राकृतिक क्षेत्र है ना शेर के लिए, काजीरंगा। और नेक्स्ट है आपका सी नंबर रणथंभौर और डी है आपका जिम कार्बेट। देखिए रणथंभौर और जिम कार्बेट जो है ना ये भी बाघ के लिए फेमस है। ठीक है, ये बाघ के लिए फेमस है, लेकिन जो काजीरंगा असम में है ये आपको एक सिंग वाले गैंडे के लिए आपका फेमस है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका एक्सटेंशन नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं आपका फोर नंबर प्रश्न। कह रहा है कि देश में
देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हमारे देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1960, 1970 या फिर 1980। तो हमारे देश में जो कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी दोस्तों, वो ही हुई थी आपका 1960 ईस्वी में, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी ये कहाँ हुई थी। ठीक है, ये विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, आंध्र प्रदेश का जो अनंतपुर जिला है ना, ये काफ़ी फेमस जिला है। ठीक है, और ये रहा आंध्र प्रदेश, और यहीं पर है आपका अनंतपुर जिला, और ये जाना जाता है आपको सोने के लिए। किस लिए फेमस है दोस्तों? तो ये आपका सोना के लिए फेमस है। ठीक है, अब्रख के लिए कौन सा फेमस है? तो अब्रख के लिए आपको हो जाएगा आपको झारखंड। ठीक है, अब्रख के लिए झारखंड का हो जाएगा, हजारीबाग हो जाएगा, कोडरमा हो जाएगा। ठीक है, तांबा के लिए आपका खेतड़ी हो जाएगा, जो राजस्थान का खेतड़ी है वो तांबा के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, और अब्रख जो है ना, अब्रख आपको आंध्र प्रदेश में भी निकाला जाता है ना, लेकिन झारखंड आपको इसमें आगे है। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? देखिए, यहाँ से 2-3 सवाल आपको पूछा जाता है ना, एक तो पूछेगा आपको कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, एक पूछेगा कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, एक पूछ लेगा आपको कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। ठीक है, दक्षिण भारत पूछे तो कोयम्बटूर, और कोयम्बटूर है कहाँ? तो ये है आपको तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। अगर पूछा जाए कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। अगर कहा जाए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो अहमदाबाद को। ठीक है, अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। तो ये तीनों सवाल आपको घुमा फिरा करके पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH यानी नेशनल हाईवे सबसे लंबा कौन सा है? तो NH4 है, NH4 24, 10, 5। देखिए, ऑप्शन सारा गलत दिया हुआ है, NH इसको सुधार लीजिएगा, NH 44 है ना। वर्तमान समय में सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है आपका NH 44। पहले कौन था? तो पहले था आपका NH 7, लेकिन अभी हो गया है NH 44, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, यहाँ पर बी दिया गया है, लेकिन यहाँ NH 44 होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि कौन सी रेखा जो है भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये जो रेखा है भारत को जो 2 बराबर भागों में बांटती है, ये कौन सी रेखा है बताइए? तो ये रेखा आपको ऑप्शन दिया गया है, कौन सी रेखा हो जाएगा? देखिए, मैंने ये भारत का मानचित्र बना दिया, और भारत के बीचों बीच से दो एक इसको बांट दिए हम, भारत के बीचों बीच से हम एक रेखा खींच दिए और भारत को 2 बराबर भागों में बांट दिए। वो रेखा कौन सी है? तो 23.5 डिग्री, वो रेखा है आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि नॉर्थ अक्षांश। ऊपर क्या है? नॉर्थ, नीचे है साउथ, इधर है ईस्ट और इधर है आपका वेस्ट। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है दोस्तों भारत के बीचों बीच से गुजरती है, और इसको कौन सी रेखा कहते हैं? तो कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं। और ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारत के टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, कितने राज्य से? 8 राज्य से। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपको। ठीक है, तो वो राज्य मैं यहाँ पर आपको नोट करवाता हूँ। वो राज्य हो गया सबसे पहले आपको, ये हो जाएगा आपका गुजरात, गुजरात के बाद थोड़ा सा आपका राजस्थान है, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश मिलेगा, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ मिलेगा, फिर मिलेगा आपको झारखंड, फिर मिलेगा वेस्ट बंगाल, फिर मिलेगा आपको त्रिपुरा, और फिर मिलेगा मिजोरम। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लीजिए, आपका गुजरात हो गया सबसे पहले, उसके बाद है आपका राजस्थान, उसके बाद है MP, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, और उसके बाद मिजोरम। तो ये 8 राज्य आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य की राजधानी जो है वो कर्क रेखा पर है। ठीक है, तो वो है आपको झारखंड की राजधानी रांची। ठीक है, झारखंड की जो राजधानी रांची है ये किस रेखा पर है? तो कर्क रेखा पर स्थित है। आप झारखंड की राजधानी रांची जाइएगा तो वहाँ जो हाईवे है उस पर आपको लिखा रहेगा कि आप कर्क रेखा पर खड़े हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खड़े हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री 30 मिनट। देखिए, यहाँ पर गलत लिख दिया है थोड़ा सा, है ना, 23.5 डिग्री इसको लिखना चाहिए, आंसर नंबर इसको ए कर लीजिए, सुधार लीजिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है,
23 डिग्री 30 मिनट, यानी 23.5 डिग्री है दोस्तों, ठीक है, 23.5 डिग्री है उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर सुधार लीजिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि खंभात की खाड़ी कहाँ स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जितने ज्योग्राफी का सवाल है ना, इसको काफ़ी हम निचोड़ निचोड़ के निकालेंगे, ठीक है, इसके खोपड़ी में हम छेद करेंगे। तो बंगाल खंभात की जो खाड़ी है यह स्थित कहाँ पर है, तो ये देखिए आपका भारत का मानचित्र है, दक्षिणी भारत आपका, तो जो खंभात की खाड़ी है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, खंभात की खाड़ी, ठीक है, जो मैं आपको डॉट डॉट बता रहा हूँ ये है आपको खंभात की खाड़ी। अब ऑप्शन देख लीजिए, भारत और श्रीलंका बिल्कुल गलत है, केरल में ये भी गलत है, उड़ीसा ये भी गलत है, तो बचा कौन आपका, गुजरात के पास है, ठीक है, ये है आपको खंभात की खाड़ी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो खंभात की खाड़ी है यहाँ पर कौन सी नदी आकर के अपनी मतलब कि पानी को गिराता है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो महत्वपूर्ण नदी है वो है आपको नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी और एक और नदी है ताप्ती नदी, नर्मदा और ताप्ती जो दो नदियां हैं ये कहाँ पर आकर के गिरती है, तो खंभात की खाड़ी में ही आकर के ये दोनों नदियां गिरती है आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों नदी कहाँ गिर रही है, तो खंभात की खाड़ी में। नर्मदा कहाँ से निकल रही है दोस्तों, तो अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, और ताप्ती कहाँ से निकलती है, तो ये भी मध्य प्रदेश से ही आपको निकलती है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच में जो है ना, भारत और श्रीलंका के बीच में है, तो ये है आपका पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जल संधि है, याद रखिएगा पाक जल संधि, और यहीं पर आपको मन्नार की खाड़ी भी है, भारत श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी भी है, ठीक है, केरल में तो ऐसा कुछ है नहीं, गुजरात में आपको बता दिए, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका, कि इनमें से सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है, बताइए ऑप्शन में जो दिया गया है इनमें से सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है, बिहार, झारखंड, पंजाब या फिर केरल। देखिए तो अगर आप मॉनसून अगर आप पढ़े हैं, है ना, मॉनसून पढ़े हैं तो आप इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है, भारत में जो मॉनसून आता है, भारत में जो मॉनसून आता है सबसे पहले कहाँ आता है, तो केरल में आता है, कब आता है, तो 1 जून को आता है, ठीक है, 1 जून को सबसे पहले आता है, और फिर यहीं से ये जो मॉनसून है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम जो मॉनसून है ये दो भागों में बट जाता है, एक तो हो जाता है आपको बंगाल की खाड़ी की शाखा, एक हो जाती है अरब सागर की शाखा, ये हो गई अरब सागर, इधर है आपको बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा दो भाग में यहाँ पर केरल जो राज्य है यहाँ पर टकराने के बाद ये दो भाग में बट जाती है, और ये धीरे धीरे करके पूरे भारत में सक्रिय हो जाता है, सक्रिय होने में इसको 15 जुलाई, ठीक है, 15 जुलाई तक ये पूरे भारत में सक्रिय हो जाता है मॉनसून, और जो ये वर्षा होता है दोस्तों ये सबसे कम कहाँ होगा, अगर आप ऐसे भी सोचते हैं सिंपल में, तो जैसे जैसे ये जो मॉनसून है धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ते जाएगा, तो इसकी जो मात्रा है, है ना, वर्षा होने की जो मात्रा है वो क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी, तो ये जो देखिए बिहार है, बिहार में भी अच्छा खासा बारिश हो जाता है आपको, 100-110 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर हो जाता है, झारखंड में भी हो जाता है, केरल में तो खैर कहना ही नहीं है, केरल में तो आपको 400-400 सेंटीमीटर वर्षा होता है, बहुत ज़्यादा वर्षा होता है केरल में, है ना, सदाबहार वन आपको यहाँ पर पाया जाता है, लेकिन जो पंजाब राज्य है ना, ये पंजाब में सबसे कम वर्षा होता है आपका ऑप्शन के अनुसार, ठीक है, पंजाब में सबसे कम वर्षा होता है आपका, अगर यहाँ पर आपको राजस्थान रहता तो राजस्थान वाला इलाका भी सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर रहता तो वहाँ भी बहुत कम वर्षा होता है, भारत में अगर पूछा जाए कि सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो लेह में होता है, ठीक है, लेह जो वाला जो क्षेत्र है, लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, वहाँ मात्र 10 सेंटीमीटर वर्षा होता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सबसे कम वर्षा कहाँ होता है भारत में, तो लेह में होता है, सबसे अधिक अगर पूछ लिया जाए तो वो होता है आपको मासिनराम में, ठीक है, सबसे अधिक कहाँ होता है, तो मासिनराम में होता है, सबसे कम कहाँ होता है, तो लेह में होता है, है ना, मासिनराम कहाँ है, तो मासिनराम दोस्तों आपका मेघालय में है, ठीक है, मासिनराम कहाँ है, मेघालय में, नाम ही है मेघ आलय, यानी मेघ मतलब बादल, आलय माने घर, तो बादलों का घर है, तो वहाँ तो वर्षा होगा ही होगा, और क्यों होगा, तो क्योंकि वहाँ पर गारो खासी जयंतिया 3 पहाड़ी है कीप न्यूमा आकृति लिए हुए, जब वहाँ पर मॉनसूनी हवाएं जाती है तो वहाँ से निकल नहीं पाती है, और वहीं पर घूमड़ घूमड़ के वर्षा करते रहती है, तो सबसे अधिक वर्षा वहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि भारत में पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है, पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कह रहा है, ठीक है, तो पहला है तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जितने भी सवाल है ना ये सारे एग्जाम में छप सकते हैं, ठीक है, जितने भी सवाल हैं सारे एग्जाम में छप सकते हैं, तो एक सवाल को भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, और जितना भी निचोड़ देख रहे हैं तो उसको आपको नोट जरूर करना है। तो पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कौन सा है, ऑप्शन आपको कह रहा है कि मेघालय है, या फिर अंडमान निकोबार है, या फिर रणथंभौर है, या फिर नीलगिरी है। देखिए तो पहला जो है दोस्तों वो है आपका नीलगिरी, नीलगिरी है कहाँ, नीलगिरी जो है वो है आपको यहाँ पर,
ठीक है, कहाँ पर ही है, यहाँ पर ही है। तो नीलगिरी जो पहाड़ी है, ये तो आपको पश्चिमी घाट पर्वत है, ये आपको पूर्वी घाट पर्वत है, ये दोनों पर्वतों को ये जोड़ती है एक गांठ के रूप में, ठीक है, नीलगिरी पर्वत। और यहीं पर जो है दोस्तों भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नीलगिरी के बारे में और भी सवाल पूछा जाता है कि जो नीलगिरी की जो पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है दोदा बेटा। क्या नाम है? दोदा बेटा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा ही है। प्रथम अगर पूछा जाता तो वो है आपको अनाई मुडी, जो अन्नामलाई पर्वत पर है, और कहाँ है तो केरल में है। प्रथम जो है वो केरल में है, अनाई मुडी, प्रथम जो है उसका क्या नाम है, अनाई मुडी, अनाई मुडी। और ये कहाँ है तो अन्नामलाई पर्वत पर, और ये है कहाँ, किस राज्य में है तो केरल में है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है। जी हाँ, रेल के डब्बा में तो चढ़ जाते हैं, तो बताइए कि इसका निर्माण कहाँ होता है, जमशेदपुर में, चितरंजन में, या वाराणसी में, या फिर पेरम्बूर में। तो क्या हो जाएगा, रेलवे डिब्बा का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका जो निर्माण होता है वो वाराणसी में होता है। आपका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। रेलवे जो है ना, ये भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता कहा जाता है, सबसे बड़ा सेवा क्षेत्र, मतलब कि ये नौकरियों देने वाला ये क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन वर्तमान में तो ऐसा मतलब बहुत कम ही है, क्योंकि इतना दिन वैकेंसी आए हुए हो गया, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, क्या कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, वाराणसी। देखिए थोड़ा सा हम तेज़ बोलते हैं, अगर आपको तेज़ लगे तो आप सेटिंग में जा करके तीन डॉट जो आपको दिया हुआ है राइट साइड में, उस सेटिंग में जाइएगा, वहाँ से आप इसको कम भी कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको जो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरणीय आयोजन के साथ संबंधित संगठन कौन सा है। पर्यावरणीय आयोजन के साथ संबंधित संगठन आपको पूछा गया है। ऑप्शन है CIFRI, ICAR, या CSIR, या NEERI। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पर्यावरण से के साथ जो आपका संबंधित संगठन है वो है आपका NEERI, ठीक है, बस ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर, कह रहा है कि मैनग्रोव वन वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा, मैनग्रोव वन पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैनग्रोव वन आखिर होगा कहाँ पर, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भारत में मैनग्रोव वनस्पति कहाँ है, देखिए मैनग्रोव वनस्पति दलदली क्षेत्र में होते हैं, ठीक है, तो भारत में दलदली क्षेत्र कहाँ पर ही है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो डेल्टा वाला जो इलाका है ना, सुंदरवन का जो डेल्टा है, तो यहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो मैनग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है। मैनग्रोव वन में किस कौन से वृक्ष की प्रधानता होती है, तो सुंदरी वृक्ष की प्रधानता होती है। क्या नाम है, सुंदरी, याद रखना है ना, नाम काफ़ी अच्छा है, सुंदरी वृक्ष की प्रधानता होती है मैनग्रोव वृक्ष में, मैनग्रोव वन में आपका, ठीक है। मैनग्रोव जो ये आपका डेल्टा है ना, सुंदरवन का डेल्टा, ये गंगा ब्रह्मपुत्र से जो मिल करके जो बना हुआ है ना, डेल्टा की आकृति कैसी होती है भी आप याद रखना है, तो त्रिभुजाकार आकृति होता है डेल्टा का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर कि मैनग्रोव वन वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा। वैश्विक तापन यानी जो हमारा वैश्वीकरण है ना, जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, दिन प्रतिदिन टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा मैनग्रोव वन पर। कह रहा है कि वे अधिकता प्रचुरता से पैदा होंगे। बी कह रहा है कि मैनग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। या सी कह रहा है कि कार्बन सिक्स के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी, या फिर उपयुक्त दोनों। तो 14 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों हो जाएगा, यानी कि तीनों हो जाएगा दोस्तों। वे अधिकता नहीं, ये नहीं होगा, आपका बी और सी होगा, यहाँ पर आपको बी और सी ऑप्शन देना चाहिए, है ना। मैनग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। अगर वैश्विक तापन होता है तो क्या होगा, जो आपको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है ना, उत्तरी पोल और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो आपको बर्फ जमा हुआ है, ये क्या होगा, गर्म होने से ये बर्फ यहाँ पर क्या होगा, पिघलेगा। और बर्फ जब पिघलेगा तो जो समुद्र का जल स्तर है वो क्या होगा, बढ़ेगा। अब जब बढ़ेगा तो क्या होगा, जो बहुत सारा जो क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा, ठीक है। और सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, तो इसका ये बी और सी हो जाएगा आपका, ठीक है। वे अधिकता से प्रचुरता से पैदा नहीं होगा, है ना, बी और सी इसका सही है। नेक्स्ट चलते हैं आपका 15 नंबर, कह रहा है क्वेश्चन कि पृथ्वी सूर्य से अधिक अपनी अधिकतम दूरी कब होता है। देखिए कह रहा है कि जो सूर्य है ये पृथ्वी कह रहा है कि सूर्य से अधिकतम दूरी कब होता है, ये डेट आपको पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है 30 जनवरी, 22 दिसंबर, 22 सितंबर, या 4 जुलाई को।
तो पृथ्वी जो होता है ना, ये सूर्य से अधिकतम दूरी कब होता है? तो 4 जुलाई को होता है। और इसको कहा क्या जाता है दोस्तों? तो इसको कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर। इसको, इस घटना को अपसौर कहा जाता है। और यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता कि सबसे कम दूरी है ना, सबसे कम दूरी कब होता है? तो वो होता है आपका 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी को सबसे कम दूरी ऊपर होता है आपका पृथ्वी सूर्य से। ठीक है, और सबसे अधिक कब होता है? तो 4 जुलाई को। 3 जनवरी को जो सबसे कम होता है उसको कहा जाता है उपसौर। ठीक है, उपसौर कहा जाता है, और 4 जुलाई वाले को अपसौर कहा जाता है। तो ये दोनों नाम आपको कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखना है। ठीक है, 22 दिसंबर को क्या होता है दोस्तों? तो 22 दिसंबर को होता है आपको सूर्य जो है, 22 दिसंबर को जो सूर्य है ये आपको मकर रेखा पर लंबवत चमकती है 22 दिसंबर को। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं हम। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संघनन का एक रूप जो दृश्यता कम कर देता है और श्वास की समस्याएं पैदा कर देती है, उसे क्या कहते हैं? संघनन का वह रूप जो दृश्यता को कम कर देता है, मतलब कि आपको देखने की क्षमता को क्या कर देगा? कम कर देगा, और श्वास की समस्या भी पैदा कर देता है, श्वास लेने में दिक्कत होता है, तो उसको क्या कहते हैं? ओस कहते हैं, तुषार कहते हैं, घूम कुहासा कहते हैं, या फिर कुहासा कहते हैं? तो क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। इसको कहा जाता है आपको घूम कुहासा। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी, घूम कुहासा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 17 नंबर। कह रहा है कि कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर हमें क्या मिलता है? कुल जनसंख्या को अगर कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से अगर विभाजित कीजिएगा तो क्या मिलेगा? जनसंख्या घनत्व मिलेगा, या पौष्णिक घनत्व मिलेगा, या कृषि घनत्व मिलेगा, या फिर औद्योगिक घनत्व मिलेगा? तो उपलब्ध कृषि योग्य भूमि से अगर भागा देते हैं कुल जनसंख्या में दोस्तों, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कृषि घनत्व। क्या मिलेगा आपको? कृषि घनत्व, है ना? तो कृषि योग्य भूमि से भागा दे रहे हैं तो कृषि घनत्व आपको मिल गया, आंसर नंबर सी। अगला है पैट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? बताइए पैट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का, खनिज का, चट्टान का, या फिर मृदा का? तो पैट्रोलॉजी में दोस्तों इसका जो अध्ययन होता है वो होता है आपका मृदा का अध्ययन होता है, यानी कि मिट्टी का अध्ययन होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए काफ़ी ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है आपका, है ना, कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है, अभी आपको बताए थे सबसे पहले कब आता है, तो 1 जून को आता है। ये डेट भी पूछा गया है कई बार, है ना, सबसे पहले कब आता है? 1 जून को आता है। कहाँ आता है? तो केरल में आता है। ठीक है, देखिए लेकिन यहाँ पर सवाल है कि आया तो केरल में, और केरल से सटा हुआ ही राज्य है आपका तमिलनाडु, लेकिन तमिलनाडु ही सूखा रह जाता है, ऐसा क्यों? तमिलनाडु जो दक्षिण पश्चिम मानसून है जो आपको जून में आता है, उसे वो सूखा रहता है। तमिलनाडु में वर्षा कब होता है? तो तमिलनाडु में जो वर्षा होता है दोस्तों, वो होता है आपको ठंडे के दिनों में, यानी कि नवंबर दिसंबर में होता है, लौटते हुए मानसून से होता है। ठीक है, जब भारत में पूरा मानसून सक्रिय हो जाता है और जब लौटने लगता है मानसून, है ना, जब मानसून खत्म होने लगता है तब जा करके तमिलनाडु में वर्षा होता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से लौटते लौटते बंगाल की खाड़ी से नमी लेता है, फिर पूर्वी घाट पर्वत से टकराता है, और फिर तमिलनाडु में जम करके वर्षा करता है ठंडा के दिन में। ठीक है, ठंडा के दिन में वहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पात मचाता है, बहुत ज़्यादा वर्षा होता है। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में भी थोड़ा बहुत वर्षा होता है आपका, जो आसपास के सटे हुए राज्य हैं वहाँ भी वर्षा हो जाता है। अब कह रहा है कि ऐसा आखिर क्यों होता है? क्वेश्चन ऑप्शन कह रहा है कि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, बी कह रहा है कि ताप इतना अधिक है कि पवन ठंडी नहीं हो पाती, सी कह रहा है कि पवन इस क्षेत्र तक नहीं पहुंचती है, और डी कह रहा है कि इस क्षेत्र में कोई पर्वत नहीं होता है। देखिए तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, कि पवन जो है ना वो यह जो है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि यह जो है दोस्तों, यह वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। क्यों आता है वृष्टि छाया क्षेत्र में? तो चलिए इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मानचित्र पे समझना पड़ेगा आपको। ये रहा आपको केरल राज्य, और ये है आपको पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है, ये है आपका पश्चिमी घाट पर्वत, और इधर से आया मानसून, है ना, इधर से आया मानसून और यहाँ पर टकराया 1 जून को। देखिए तो ये कह रहा है वृष्टि छाया, ये जो आपका तमिलनाडु है आपका इधर है, तो ये वाला जो एरिया रह जाता है वो आपको वृष्टि छाया में आ जाता है, क्योंकि ये जो मानसून यहाँ पश्चिमी घाट में टकराया और धीरे धीरे करके ये पर्वतों के सहारे ऊपर चढ़ने लगता है, फिर इधर की ओर भी ये सीधा निकल जाता है समानांतर में। अगर यहाँ पर कोई ऐसे पर्वत रहता, यहाँ पर टकरा कर यहाँ पर वर्षा कर सकता था, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, बस बंगाल की खाड़ी है, सीधे आगे की ओर निकल जाता है आपका। तो यही कारण है कि वृष्टि छाया क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है आपको कि उत्तरी सह्याद्री, प्रश्न कह रहा है कि उत्तरी सह्याद्री के
त्रिंबक पठार से निकलने वाली नदी कौन सी है? उत्तरी सह्याद्री के त्रिंबक पठार से निकलने वाली नदी यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओहो बड़ा हो गया, इसको छोटा कर दे। तो ऑप्शन दिया गया दोस्तों, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी या फिर महानदी। तो देखिए सह्याद्री पर्वत से ही निकलती है दोस्तों आपको गोदावरी नदी। गोदावरी के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि ये महाराष्ट्र के नासिक जिला के त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबक यहाँ पर लिखा हुआ है, यहीं पर आपको ऑप्शन में लिख सकता है त्र्यंबकेश्वर। तो त्र्यंबकेश्वर पठार है नासिक जिला में, महाराष्ट्र में पड़ता है, और ये गोदावरी नदी यहीं से निकलती है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है आपको बता चुके थे कि कावेरी जो निकलती है ये आपको ब्रह्मगिरी से निकलती है, ठीक है, ब्रह्मगिरी से निकलती है आपको कावेरी नदी, ठीक है। और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है तो महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है। महाबलेश्वर कहाँ है तो आपको महाराष्ट्र में ही है। ब्रह्मगिरी कहाँ है तो ये कर्नाटक में है। महानदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो ये निकलती है आपको छत्तीसगढ़ से, ठीक है, ये निकलती है आपको छत्तीसगढ़ से, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 21 नंबर। 21 प्रश्न कह रहा है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ स्थित है, बताइए हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ स्थित है? कोचीन में है, विशाखापट्टनम में है, मुंबई में है या फिर कोलकाता में है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है वो है आपका विशाखापट्टनम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, और विशाखापट्टनम कहाँ है तो विशाखापट्टनम है आपको आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगला सवाल है आपका 22 नंबर। 22 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित उद्योग समुच्चयों में से कौन से एक उद्योग भारत में सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग में से था, है ना, कौन सा वो जो उद्योग है जो आधुनिक उद्योग में से एक था, आपको भारत में सर्वप्रथम आधुनिक उद्योगों में से एक था। ऑप्शन कह रहा है कि चाय, कपास, चीनी, जूट, रेशम, कपास, कपास, जूट, कोयला या फिर चीनी, रेशम, इस्पात। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपको, आंसर हो जाएगा जूट, रेशम और कपास, आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 23 नंबर। 23 कह रहा है कि वर्षावाहक बादल काले दिखते हैं क्यों, वर्षावाहक जो बादल होते हैं वो काले क्यों दिखते हैं? तो ऑप्शन है कि उनके द्वारा सभी रोशनी प्रकीर्ण हो जाती है, उनमें बड़ी संख्या में जल बिंदु सारी धूप खींच लेते हैं, या फिर वे धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंबित करते हैं, या फिर डी है कि ऐसे बादलों में जलवाष्प अधिक धूल संघनित होती है। तो वर्षा वाले बादल जो होते हैं वो काला इसलिए दिखते हैं क्योंकि वे धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंबित करते हैं, आपको आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपको कि भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नलिखित में से कहाँ किया जाता है? तो भारत में जो सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का एकमात्र जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वो होता है दोस्तों आपको बम्बई हाई में। बम्बई हाई कहाँ पर है, तो ये तो हो गया महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, ये बम्बई हाई जो है आपको ये अरब सागर में है, ठीक है, अरब सागर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका मुंबई हाई, इसको मुंबई हाई भी कहा जाता है। यहाँ पर सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन यहीं से होता है आपको भारत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका है 25 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में सागवान का वन पाया जाता है? देखिए सागवान का वन कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो सागवान वाला जो क्षेत्र है वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, है ना, सागवान का जो क्षेत्र है वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश यानी कि MP, ठीक है। सबसे अधिक अगर वन वाला राज्य भी पूछा जाए तो आपको MP ही है, सबसे अधिक वन कहाँ है क्षेत्रफल के हिसाब से तो मध्य प्रदेश ही है, अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाए कि सबसे अधिक जंगल कहाँ है तो वो हो जाएगा आपका मिजोरम, ठीक है, परसेंटेज में सबसे अधिक मिजोरम है और क्षेत्रफल में आपको मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है आपका 26 है कि जनगणना, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ है, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब? तो सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात जो है दोस्तों वो है आपका छत्तीसगढ़ में, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक है। आपको क्वेश्चन बताना है आंसर नंबर कि बिहार में लिंगानुपात कितना है शिशु लिंगानुपात, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 27 की भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा, कोयला, खनिज तेल एवं गैस, जल विद्युत या फिर परमाणु ऊर्जा? तो धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा जो स्रोत है दोस्तों वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर जल विद्युत, ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी।
नेक्स्ट है आपका 28 नंबर, कह रहा है कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में, बताइए सलाल जल विद्युत परियोजना जो है दोस्तों वो है आपका जम्मू कश्मीर में। ये क्वेश्चन कई बार आपको रिपीट हुआ है ना, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से प्रति चक्रवात किसे कहते हैं, जी हाँ चक्रवात भी आपको पता होना चाहिए और प्रति चक्रवात भी पता होना चाहिए। तो प्रति चक्रवात किसको कहते हैं, ऑप्शन कह रहा है कि एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र जिसमें उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा घड़ी की सुइयों के समकक्ष होती है। बी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि एक उच्च वायुदाब का क्षेत्र, ठीक है, एक उच्च वायुदाब का क्षेत्र जिसमें उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा घड़ी की सुई के समकक्ष होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ऑप्शन को ध्यान से देखिए। सी नंबर ऑप्शन कहा गया है कि एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र जिसमें दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की दिशा घड़ी की सुई के समकक्ष होती है, या फिर डी कह रहा है कि एक उच्च वायुदाब का क्षेत्र जिसमें दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की दिशा घड़ी की दिशाओं के समकक्ष होती है। तो देखिए ये यहाँ पर ही निम्न वायुदाब तो होगा ही नहीं, इसी से आपका ऑप्शन यहाँ पर छटते चला गया आपका। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि उच्च वायुदाब होता है प्रति चक्रवात में और आपको चक्रवात में होता है निम्न वायुदाब, ठीक है, केंद्र में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है। तो ये किसका किस विकल्प का अर्थ है दोस्तों, तो ये स्मॉग का अर्थ है, ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। कह रहा है कि गेहूं किस प्रकार का फसल है, बताइए गेहूं किस प्रकार का फसल है। देखिए ऑप्शन है आपका शीत जलवायु, शुष्क जलवायु, आद्र जलवायु या फिर शीतोष्ण जलवायु। अब देखिए ये जो जलवायु है ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो इसको आप ग्लोब में आप समझ सकते हैं। मान लीजिए ये है आपका 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा, ये है आपको 23.5 डिग्री यानी कि कर्क रेखा नॉर्थ वाला, ठीक है, ये है आपको 23.5 डिग्री साउथ में, ठीक है, यानी कि मकर रेखा, ये है आपको 66.5 डिग्री, ठीक है, जिसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ये है आपको 66.5 डिग्री जिसको आप उत्तरी ध्रुव भी कर सकते हैं, और ये है आपको 90 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर है आपको 90 डिग्री उत्तरी दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए जीरो जो 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिण वाले जो भाग क्षेत्र है इसी को कहते हैं दोस्तों उष्ण जलवायु या फिर शुष्क जलवायु उसको कह सकते हैं। बी और जो ऑप्शन है आपको 23.5 से लेकर के 66.5 वाले जो एरिया है इसको क्या कहते हैं, इस एरिया को कहा जाता है आपको शीतोष्ण जलवायु, और 66.5 से लेकर के 90 वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है आपको शीत जलवायु। तो ये आप कटिबंध आप याद रखना है कि किस किस क्षेत्र को आपको उष्ण कहते हैं, किस क्षेत्र को शीतोष्ण कहते हैं, किस क्षेत्र को शीत जलवायु कहा जाता है। तो क्वेश्चन था कि गेहूँ जो है ये किस प्रकार का फसल है, तो गेहूं है आपका ये हो जाएगा आपका शीतोष्ण जलवायु का फसल है आपका, ठीक है, गेहूं शीतोष्ण जलवायु का फसल है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं आपका कि कोयले के, है ना, गेहूं देखते हैं ना, गेहूं जो होता है ठंडे के दिन में होता है ना, गर्मी के दिन में कभी गेहूं हो सकता है नहीं, तो शीतोष्ण जलवायु होता है, ना ही उसको ज़्यादा ठंड चाहिए और ना ही उसको ज़्यादा गर्म चाहिए, ठीक है। प्रश्न है 32 नंबर कि कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है। देखिए कोयला जो होता है ये आपको 4 प्रकार के होता है, यहाँ पर दिया गया है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट और लिगनाइट। तो 4 प्रकार का जो कोयला होता है इसमें सबसे अधिक कार्बन, जो जिसमें सबसे अधिक कार्बन रहेगा ना वो उतना ही अच्छा कोयला माना जाता है। और एंथ्रासाइट जो कोयला है ये इसमें जो कार्बन का जो प्रतिशत होता है वो 95% लगभग इसमें कार्बन होता है, है ना, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। अब बताइए कि कार्बनिक पदार्थों की अधिकता किस में होती है, ऑप्शन दिया गया है आपको पीट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। तो कार्बनिक पदार्थों की जो अधिकता होती है वो होती है आपको जलोढ़ मिट्टी में। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि नवीनतम जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है सबसे कम, तो सबसे कम है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर सबसे अधिक पूछा जाता तो वो हो जाता अपना बिहार। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सोच रहे हैं ना, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये आपका बिहार का सबसे अधिक है, और अरुणाचल प्रदेश के मात्र 17 व्यक्ति है और ये सबसे कम है। नेक्स्ट है आपको
35 की जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? देखिए, जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन दिया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले, तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले इससे जनसंख्या इसमें ये नहीं होगा, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, किसी शहर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रति किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को ही कहा जाता है जनसंख्या घनत्व, और इसी से निकाला जाता है जनसंख्या घनत्व, यानी कि एक प्रति एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। तो बिहार में कितना करता है, 1106 व्यक्ति निवास करता है एक वर्ग किलोमीटर में एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर, कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 किसको किसको जोड़ता है, तो जो NH1 है या जो नेशनल हाईवे 1 है दोस्तों, ये आपको जोड़ता है दिल्ली एवं अमृतसर को, ये जोड़ता है दिल्ली और अमृतसर और बरास्ता अंबाला और जालंधर को भी ये जोड़ता है आपका, तो आंसर हो जाएगा इसका नंबर, आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको कि भारत को कुल कितने पिन कोड क्षेत्र में विभाजित किया गया है, तो भारत को कुल कितने पिन कोड क्षेत्र में विभाजित किया गया है, तो वो हो जाएगा आपका 8, ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कौन सी लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुआ है ना, तो ऑप्शन है टिस्को जमशेदपुर, या फिर HSL राउरकेला, या HSL भिलाई, या फिर HSL दुर्गापुर, तो जर्मनी की सहायता से किसका किया गया है दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका भिलाई का, आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है, सॉरी राउरकेला का किया गया था, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, जर्मनी जो हुआ था ना, ये जर्मनी की सहायता से राउरकेला की यहाँ पर स्थापना की गई थी, है ना, लौह इस्पात संयंत्र जो राउरकेला में है, उड़ीसा में जो है आपका, राउरकेला कहाँ है, तो उड़ीसा में है, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो जर्मनी के सहयोग से किया गया था, और HSL जो दुर्गापुर की जो स्थापना हुआ था ये ब्रिटेन की सहायता से हुआ था आपका, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका कि हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा, बताइए हिमालय पर्वत श्रेणी पर, है ना, हिमालय जो पर्वत श्रेणी है इस पे सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो दर्रा हो जाएगा आपका रोहतांग दर्रा, बुर्जिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, या फिर जोजीला दर्रा, तो सबसे ऊंचाई पर जो दर्रा है वो हो जाएगा आपका काराकोरम दर्रा, ठीक है, काराकोरम दर्रा ये सबसे अधिक ऊंचाई पर है, ठीक है। जो हमारा हिमालय पर्वत है ये कितनी श्रृंखलाएं हैं इसमें, तो टोटल 3 श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, हिमालय में 3 श्रृंखला है, जो सबसे उत्तरी श्रृंखला है इसको कहते हैं दोस्तों महान हिमालय, ठीक है, और जो बीच वाला है इसको कहा जाता है आपको मध्य हिमालय, ठीक है, और जो सबसे दक्षिण वाला है इसको कहते हैं शिवालिक हिमालय, ठीक है, तो ये आपको बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, दर्रा किसे कहा जाता है, तो दो पर्वतों के बीच जो रास्ता होता है इसी को क्या कहते हैं, दर्रा कहा जाता है आपको, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 40 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ जुड़ी हुई है, कौन से जो देश है इसकी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ जुड़ी हुई है, तो भारत के साथ बहुत सारे देश सीमा बनाता है ना, कौन कौन देश सीमा बनाता है, चलिए इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं हम, ठीक है। देखिए, भारत के साथ जो सीमा बनाने वाला देश है वो कौन कौन सा है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पाकिस्तान मिल जाएगा, है ना, यहाँ पर आपको पाकिस्तान मिल जाएगा, यहाँ पर आपको अफगानिस्तान मिल जाएगा, यहाँ पर आपको चाइना मिल जाएगा, यहाँ पर आपको नेपाल मिल जाएगा, यहाँ पर आपको भूटान हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका म्यांमार हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका बांग्लादेश हो जाएगा, तो इतने सारे देश जो हैं वो भारत से पड़ोसी देश हैं जो सीमा बनाते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे अधिक पूछा गया है ना, सबसे लंबी पूछा गया है, तो लंबी में है आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश से सबसे अधिक लंबी सीमा जो बनाता है वो भारत बनाता है, और इसकी सीमा कितनी लंबी है दोस्तों, तो 4096 किलोमीटर, है ना, याद रखना है 4096 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और सबसे कम किसके साथ है, तो वो है आपका अफगानिस्तान के साथ, मात्र 116 किलोमीटर, ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, अफगानिस्तान वाला और बांग्लादेश वाला आपका। नेक्स्ट है आपका कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने ऊपर ही बता दिया आपका, आपको बता दिए थे कि दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या था, तो अनाई मुडी, है ना, हम ऊपर ही बता दिए थे, और अनाई मुडी जो है ये कहाँ है, तो ये केरल राज्य में है, और ये किस पर्वत श्रृंखला पर है दोस्तों, तो अन्नामलाई, ठीक है, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची जो चोटी है उसको कहा जाता है अनाई मुडी, और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आपको एक चीज़ बताए थे कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन थी, तो वो था आपका दोदा बेटा, है ना, तो दूसरी जो था वो था दोदा बेटा, और प्रथम जो है दक्षिण भारत की वो है आपका अनाई मुडी,
ठीक है। महेंद्रगिरी जो है ना, महेंद्रगिरी भी एक पर्वत दक्षिण भारत में है, वो तमिलनाडु में पड़ता है। महेंद्रगिरी जो है पर्वत, ये भारत में दो जगह है, एक तो आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा और एक आपको उड़ीसा वाले राज्य में भी देखने को मिलेगा आपको महेंद्रगिरी। नेक्स्ट है कि भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है। गन्ने की खेती किस प्रकार की खेती है दोस्तों? ये रोपण कृषि है, या स्थानांतरित कृषि है, या सिंचित कृषि है, या फिर यांत्रिक कृषि है? देखिए, जो गन्ने की खेती है इसको कहते हैं रोपण कृषि, है ना। जैसे कि आपको रोपण कृषि के अंतर्गत और भी आता है, जैसे कि केले की खेती करना, है ना, ये भी रोपण कृषि के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रोपण कृषि। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति का अर्थ क्या है, बताइए। हरित क्रांति जो शुरुआत हुआ था भारत में 1966-67 में शुरुआत हुआ था, हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो हरित क्रांति के जो भारत में जनक थे वो M.S. स्वामीनाथन जी थे, है ना, क्योंकि उन्हीं के जन्मदाता भी कहा जाता है ना, जनक कहा जाता है, ठीक है। तो उस M.S. स्वामीनाथन याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे, वो थे आपके अमेरिका के, ठीक है। सबसे अधिक सफलता किस फसल में मिली थी हरित क्रांति के द्वारा? तो वो गेहूं को मिली थी, ठीक है। ये सब चीज़ आपको हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, जितने भी चीज़ बता रहे हैं ना, ये सब चीज़ पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। तो कह रहा है कि हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन कह रहा है कि कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा एकल फसल की उपज को बढ़ाना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना। पेड़ लगाना तो हरित क्रांति में नहीं आएगा, कृषक क्रांति, सामाजिक वानिकी। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि आधुनिक विधि के द्वारा, आधुनिक प्रयोग के द्वारा एक फसल के उपयोग को बढ़ाना। और हरित क्रांति में मतलब कि बहुत आधुनिक बीज का प्रयोग किया गया था, आधुनिक इसमें खाद का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो इसके वजह से काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादन इसमें वृद्धि हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान कितना होना चाहिए? देखिए, रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपको 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। देखिए, रबड़ का जो खेती होता है ना भारत में, सबसे अधिक कहाँ होता है? तो वो होता है आपको केरल वाले क्षेत्र में, ठीक है। केरल वाले क्षेत्र में सबसे अधिक होता है आपको रबड़ की खेती। और आवश्यक जो तापमान है, केरल, कर्नाटक, ये सब क्षेत्र में रबड़ की खेती बहुत अधिक मात्रा में होता है। और यहाँ जो टेम्परेचर रहता है सालों भर लगभग 30-40 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर सालों भर रहता है, तो इसके लिए टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपको ऊपर ही बता दिए कि जो सिंधु नदी है इसका जो उद्गम स्थल है दोस्तों, वो मानसरोवर झील से निकलता है ना। मानसरोवर झील है कहाँ पर ही? तो मानसरोवर झील जो है वो आपको मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए है आपको मानसरोवर झील, ठीक है, यहाँ पर है मानसरोवर झील और यहीं से निकलती है आपको सिंधु नदी, और ये पश्चिम की ओर बहती है और पाकिस्तान होते हुए ये आपको अरब सागर में जा कर के गिर जाती है। और यहीं से एक और नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी, है ना, जो आपको अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और फिर ये असम होते हुए ये बांग्लादेश में जाती है, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में आपको आकर के गिर जाती है, ठीक है। तो यहाँ से दो नदी आपको निकल रही है, ये मानसरोवर इसका आंसर हो जाएगा आपका। शेषनाग झील से कौन सी नदी निकलती है? तो सतलज नदी, ठीक है। सतलुज जो नदी है ये आपको शेषनाग झील से निकलती है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि लैगून क्या होता है? देखिए, लैगून क्या होता है बताइए? एक तालाब होता है, या झील होता है, या झरना होता है, जलप्रपात होता है। तो लैगून जो होता है ये एक झील होता है ना, लैगून क्या है? तो लैगून एक झील है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि कोयना परियोजना किस राज्य में स्थित है, बताइए। देखिए दोस्तों, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, आपसे कुछ नहीं मांगा जा रहा है, बस आप एक लाइक कर दीजिए चैनल को, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। जो भी आपके दोस्त हों जो तैयारी कर रहे हों, जो फॉर्म भरे हों, उनको शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपसे किसी भी चीज़ के लिए हमें नहीं चाहिए, बस इतना आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो बताइए कि कोयना जो परियोजना है ये किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, या फिर बिहार? बताइए, कोयना परियोजना दोस्तों ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको? महाराष्ट्र में मिलेगा, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट है आपको कि हीरा कुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? देखिए, हीरा कुंड नाम ही है हीरा, हीरा क्या है? महान है। हीरा क्या है? महान है। तो हीरा कुंड जो परियोजना है दोस्तों ये किस नदी पर है? तो महानदी पर है, है ना। हीरा क्या है? महान है, तो ये हो गया महानदी पर है, ठीक है। दुनिया की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना है ये, दुनिया की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो हीराकुंड बांध परियोजना। और ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये उड़ीसा राज्य में है। कहाँ है? तो ये वाला राज्य हो गया आपका उड़ीसा, और ये उड़ीसा राज्य में है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? ये तो क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, है ना, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रिपीट होता, अभी आपको बता दिए थे बांग्लादेश, और सबसे
छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? तो सबसे छोटी अगर पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, ठीक है, किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ हो जाएगा सबसे छोटा। और सबसे लंबा बांग्लादेश कितना है? तो 4096 किलोमीटर। अफगानिस्तान का शेयर कितना है? तो 116 किलोमीटर, ठीक है, याद रखना है। अब एक सवाल यहाँ से आपको पूछ सकता है कि जो बांग्लादेश है आपका, ठीक है, जो बांग्लादेश है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल से देख लीजिए। जो बांग्लादेश है, ठीक है, तो ये रहा, ओ सॉरी मिट गया, फिर से इसको बनाना पड़ेगा भाई, कोई बात नहीं, एक सेकेंड का खेला है। देखिए मानते हैं कि ये हमारा भारत का मानचित्र है, थोड़ा सा ये अच्छा नहीं बना है, है ना, ये है आपको बांग्लादेश। तो बांग्लादेश कितने राज्यों से सीमा बनाती है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि बांग्लादेश जो है ये कितने राज्यों से सीमा बनाती है। तो सबसे पहले याद रखना है, ये तो आपको पश्चिम बंगाल से सीमा बनाती है, पश्चिम बंगाल के बाद ये किससे बनाती है? तो यहाँ पर आपको मेघालय मिलेगा, और यहाँ पर आपको असम मिलेगा, और यहाँ पर आपको त्रिपुरा मिलेगा, यहाँ आपको मिजोरम मिलेगा। तो एक हो गया आपका पश्चिम बंगाल, एक हो गया आपको मेघालय, एक हो गया आपका असम, एक हो गया आपका त्रिपुरा, और एक हो गया आपका मिजोरम, यानी कि टोटल ये 5 राज्यों से सीमा बनाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा किस किस राज्यों से सीमा बनाता है बांग्लादेश। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 5 राज्यों से सीमा बनाता है। और लंबाई कितनी है? तो 4096 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है और आज का लास्ट है, कह रहा है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी सवाल थे लगभग छपने वाले सवाल हैं, और ये कहीं ना कहीं छप चुका है और आपके भी एग्जाम में छपने की 100% संभावना है, ठीक है। तो भारत में एकमात्र जो ज्वालामुखी है ये बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अंडमान निकोबार, या फिर निकोबार द्वीप समूह, या लक्षद्वीप, या फिर मिनिकाय। तो इसको फिगर के माध्यम से थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, देखिए ये रहा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये रहा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, और जो बैरन ज्वालामुखी है, ये एकमात्र सक्रिय है। देखिए ज्वालामुखी जो होता है ना दोस्तों, ये 3 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ज्वालामुखी भी जो होता है वो 3 प्रकार के होता है, एक तो हो गया सक्रिय, एक हो गया आपका सुसुप्त, एक होता है आपका सुसुप्त, और एक होता है आपका मृत, है ना। सुसुप्त का मतलब क्या हुआ कि ये कभी कभी निकलता है और फिर शांत हो जाता है, सो जाता है। और जो मृत है, बेचारा निकल गया, आज से 10 साल 20 साल 50 साल हो गया और ये अब तक नहीं निकल पाया, यानी कि ये मृत हो गया, ठीक है। और सक्रिय का मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमेशा निकल रहा है, निकल रहा है ज्वालामुखी, निकल रहा है लावा, निकल रहा है। तो बैरन द्वीप जो है ये है आपको अंडमान द्वीप समूह में है, ठीक है, कहाँ है? अंडमान द्वीप समूह में, यहाँ पर ही है आपका अंडमान द्वीप समूह में, ठीक है। ये जो मैं आपको टिक कर रहा हूँ यहीं पर है, आप देखिएगा अपने मानचित्र में, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज का टेस्ट, कैसा लगा जरूर से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके एक मैसेज का थोड़ा सा इंतज़ार रहता है, ठीक है। तो आप लोग जरूर से ज़रूर मैसेज कीजिएगा ये टेस्ट कैसा लगा, जरूर से ज़रूर बताइएगा, और क्या इसमें सुधार चाहिए, क्या इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, है ना। तो आप थोड़ा सा इसको सपोर्ट कीजिएगा, आपने एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से जरूर इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ सहयोग करना पड़ेगा, सहयोग राशि कुछ दीजिएगा तभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्लास लेने में, पीडीएफ बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, इसीलिए आप कुछ सहयोग करें और आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, आपको पीडीएफ मिलेगा, आपको वीडियो मिलेगा, आपको और भी बहुत सारा यहाँ पर नोट्स भी आपको मिलते रहेगा, ठीक है। और ये रहा टेलीग्राम का ग्रुप, तो टेलीग्राम में भी आप जुड़ सकते हैं, यहाँ पर सारे वीडियो का लिंक आपको शेयर कर दिया गया है, यहाँ से भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके सारे वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का क्लास, आपको कैसा लगा जरूर से ज़रूर इसके बारे में आप बताइएगा। तो हम फिर कल मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय रात में 9 बजे से, तो आप लोग तैयार रहिएगा डेडी। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर।